नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ शाहीनबाग में प्रदर्शन लगातार जारी है। विरोध प्रदर्शन को खत्म कराने और कालिंदी कुंज शाहीनबाग सड़क को खुलवाने की कई बार नाकाम कोशिश भी की गई है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। इस मामले में कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब भी मांगा था। तो आज का दिन कालिंदी कुंज के लिए बेहद खास, क्योंकि कालिंदी कुंज के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकती है। आज इस मामले की अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी। तो लगातार सीएए और एनआरसी के खिलाफ जिस तरीके से दिल्ली के कालिंदी कुंज में शाहीन बाग पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, उसको लेकर आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से सड़कें बंद है, आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में आज सुप्रीम कोर्ट बड़ी सुनवाई कर सकता है। तो केंद्र ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है और इस खबर पे ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमित दुबे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आज का दिन खास माना जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से 64 दिन हो गए लगातार आज भी शाहीनबाग बंद है, तो किन मामलों में आज सुनवाई हो सकती है, क्या कुछ ताजा अपडेट है? लगता है संपर्क टूट गया, तो एक बार फिर से आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास माना जा रहा है। कालिंदी कुंज का रास्ता खुलवाने के लिए जो अर्जी दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, आज उसकी सुनवाई होनी है। आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद शाहीनबाग में जिस तरीके से लगातार 64 दिनों से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उसमें लोग मानते हैं या नहीं, क्योंकि सीएए का विरोध कर रहे हैं ये लोग। लगातार सीएए के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, भारी तादाद में, भारी संख्या में यहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठा होकर लगातार नारेबाजी लगा रहे हैं। और जिस तरीके से कालिंदी कुंज पिछले 64 दिनों से बंद है, उससे आम जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो चुका है। ऐसे में कई बातें सामने आई, पर आज का दिन अहम है, क्योंकि आज इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगा। तो देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शाहीनबाग को लेकर क्या कुछ फैसला सामने आता है और लोग इस फैसले से खुश नजर आते हैं या नहीं। और एक बार फिर से हमारे संवाददाता अमित दुबे हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन पे बने हुए हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे आज सुप्रीम कोर्ट शाहीनबाग को लेकर सुनवाई करेगा, क्या कुछ ताजा अपडेट है? देखिए, बिल्कुल, लोग जिस तरह से परेशान है, तो जाहिर तौर पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। लोगों को उम्मीद है कि शायद सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को दिशा निर्देश दे रास्ता खुलवाने के लिए, क्योंकि पिछली टिप्पणी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन करने का अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को व्यवधान नहीं डाल सकता, चाहे वो सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, और इस तरह से किसी मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार कोई निर्देश नहीं दिया था कि वो शाहीनबाग को खाली कराए, रास्ते को खाली कराए या नहीं। आज फिर एक बार सुनवाई हो रही है, तो लोगों की निगाहें रहेंगी कि किस तरह सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश देता है। जी बिल्कुल, लोगों की निगाहें रहेंगी, पर लोगों की मांगे इस जगह पे क्या कुछ है? सीए का विरोध तो कर रहे हैं, पर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसले की सुनवाई होनी है, तो विपक्ष में जो लोग खड़े हुए हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, सुनवाई में कहा कि एक कानून है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, कोर्ट ने किसी का नाम नहीं लिया, ना सीएए ना एनपीआर का नाम लिया, कि एक कानून है जिसका लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करना उनका संवैधानिक अधिकार है, लेकिन किसी भी मार्ग को इस तरह से महीनों के अवरुद्ध नहीं किया जा सकता है। हालांकि जो खासतौर पे जो सामाजिक कार्यकर्ता थे जिनकी तरफ से याचिका डाली गई थी, वो लगातार उनके वकील सुप्रीम कोर्ट कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिल्ली पुलिस को, केंद्र सरकार को, कि रास्ते को खुलवाया जाए, क्योंकि कई लाख वाहन जो है वो उस रास्ते से गुजरते हैं, जिससे लोगों को सहूलियत मिले। अब सुप्रीम कोर्ट चूंकि किस तरह से करता है, क्या इन प्रदर्शनकारियों को कोई अलग जगह प्रदर्शन के लिए देने की मुहैया कराने की बात करता है, या उस रास्ते को पर्टिकुलर खाली कराने की बात करता है, केंद्र सरकार ने भी अभी तक मामले का कोई संज्ञान नहीं लिया। कल प्रदर्शनकारी अमित शाह से मिलना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने मिलने से साफ मना कर दिया, जिस तरह से प्रदर्शनकारी अमित शाह से मिलने जा रहे थे मार्च लेकर। तो ऐसे में जाहिर तौर पर जब केंद्र सरकार कोई संज्ञान नहीं ले रही, तो ऐसे में लोगों को उम्मीदें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से दिख रही हैं, और इसे लेके आज लोग इसी बात के डिसीजन का इंतजार कर रहे हैं। जी, पर अमित, एक अहम सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। इस तमाम चीजों को देखते हुए, पक्ष की बातों को देखते हुए, विपक्ष की बातों को देखते हुए, जिस तरीके से आज सुप्रीम कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को कहीं सुरक्षित तो नहीं रख लेगा, कहीं इस फैसले को टाल तो नहीं देगा? आज सुनवाई हो जाएगी, पक्का है क्या?
देखिए सालने का प्रश्न नहीं उठता, पिछली बार जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की थी, इस बार क्या कुछ इसे लेके गाइडलाइन जारी करता है, क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, ये देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्योंकि अहम मसला है, चाहे विपक्ष हो या सरकार, सरकार जहां इसे CAA और NPR को डिपेंड कर रही हो, वही विपक्ष जो है लगातार इसे लेके शोर शराबा कर रहा है। यहाँ तक कि कई लोगों के बयान आए कि खुद गृह मंत्री को जाके शाहीनबाग जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी मंत्री अब तक जो है वो शाहीनबाग नहीं गया और ना ही कोई इस तरह का अंदेशा है कि कोई वहां जा सकता है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ विकल्प है और सुप्रीम कोर्ट चीजों को समझ रहा है कि जिस तरह से लोग परेशान है, जिस तरह से लगातार पिछले 2 महीने से प्रदर्शन हो रहा है, तो अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ही एक विकल्प है और इस बात को जी बिल्कुल अभी देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस बात पर क्या कुछ फैसला सामने लेकर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित तमाम अपडेट के लिए। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी और देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ निकलकर बाहर आता है। लगातार 64 दिनों से दिल्ली के शाहीनबाग में प्रदर्शन किया जा रहा है, प्रदर्शन से लोग बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। लोग विपक्ष जो है वो लगातार नारे लगा रहे हैं कि CAA को वापस लिया जाए, पर देखने वाली बात होगी कि आज सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर क्या कुछ सुनवाई करता है।